Hello dear ninthies, I am Mrs. Ekta Gaur with my next one video of biology for the chapter tissues. In this, I am going to explain you about the plant tissues. Now let's begin about the plant tissues. So as you know that plants also perform different kind of functions, means they are also absorbing the water, they are also absorbing the minerals. They are also showing the growth. They are also preparing the food. So many functions, those are proving that plant tissues are also the living organisms. So that's why they have to carry the different kind of cells. They have to carry the different kind of tissues. So just we have to learn about the plant tissues. चलिए हम देखते हैं कि plant tissues भी कितने तरह की होते हैं और किस तरह से बने होते हैं। तो देखो बच्चों, जो प्लांट टिश्यूज हैं, यदि हमें उन्हें पढ़ना है तो एक ही डिवीजन में हम नहीं पढ़ सकते हैं। प्लांट टिश्यूज भी दो तरह के टिश्यूज होते हैं, नंबर वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड नंबर टू परमानेंट टिश्यूज। लेट्स सी मोर अबाउट देम। सो प्लांट टिश्यूज डिवाइडेड इंटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, बट डिवीजन विल नॉट स्टॉप हियर। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो भी थ्री में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। ओके, एंड परमानेंट टिश्यूज आर आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब क्योंकि प्लांट्स भी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ शो कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स वी आर टेकिंग, different kind of vegetables we are eating, different kind of flowers we are having, different kind of grasses we are having. So we are having a lots of kinds of the plants. So that's why we cannot have a one kind of tissues and simple kind of tissues only in the plants also. So ab yahan par dekho, simple permanent tissues bhi teen tarah ke hote hain. One is the parenchyma, another one is the colenchyma, and next one is the sclerenchyma. अब यहाँ पर ये जो टिश्यूज हैं, ये हर एक स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं, हर एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट्स के। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा भी दो तरह के होते हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, क्योंकि प्लांट्स में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट अडेप्टेशन की वजह से पैरेन्काइमा भी दो तरह की होती है, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। ठीक है, साथ ही साथ जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी दो तरह की होती है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। तो बेटा बहुत वास्ट है प्लांट टिश्यूज भी, आप इस फ्लो चार्ट को बनाना सीखेंगे और ये सभी पार्ट्स को आप अलग अलग करके याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इट वॉज अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज ओनली। नाउ लेट्स सी अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, वन इज द जाइलम, अनदर वन इज द फ्लोएम। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि प्लांट टिश्यूज टू में डिवाइड हो रहे हैं। इसके बाद वन पार्ट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स एंड द अनदर वन पार्ट इज डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स, देन दिस पार्ट इज डिवाइडिंग इनटू द थ्री पार्ट्स अगेन, एंड देन वन पार्ट इज डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स, अनदर पार्ट इज डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स, नेक्स्ट वन पार्ट इज डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स। तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन कब होगा, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं। अब आपको क्या करना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखिए, इनके तीन पार्ट्स लिखिए, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, इसके पार्ट्स लिखिए, पहले ये दो पार्ट्स याद कीजिए, इसके बाद आप इस हेडिंग को डालिए और इन तीनों को याद कीजिए, देन इजीली ऑल द टर्म्स विल बी इन योर माइंड लाइक अ कंप्यूटर। ओके, नाउ लेट्स सी मोर अबाउट देम, हाउ डज टिश्यूज फॉर्म। एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड कंप्राइजेज ऑफ सेल्स, आपने ये नाइन्थ क्लास में सेल चैप्टर में पढ़ा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, या तो वो एक ही सेल से बनी है या वो एक ही जैसी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। एस देयर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स वी हैव द टू ग्रुप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
आपको जब मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ शुरू कराया था देन आई हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर विद एग्जाम्पल्स. सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू शुड वॉच दैट ऑल्सो. ओके, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल्स वी हैव यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. In unicellular organisms, the single cell is capable of performing several functions. अब जहां पर केवल एक ही सेल है तो वो एक सेल भी क्या काम कर सकती है? देखो बच्चों, वो एक सेल रेस्पिरेशन भी कर सकती है, डाइजेशन भी कर सकती है और क्लियरिंग ऑफ द सेल भी कर सकती है, दैट मीन्स एक्सक्रीशन भी कर सकती है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन सांस लेने की क्रिया है, डाइजेशन खाना पचाने की क्रिया है, क्लियरिंग ऑफ द सेल एक्सक्रीशन की क्रिया है. ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. क्यों? क्योंकि यदि एक सेल सारा काम कर रही है तो वो एक छोटे से जीव के लिए तो बहुत एनफ है. एक छोटा सा ऑर्गेनिजम्स कैन बियर ऑल द फंक्शंस विद वन सेल, लेकिन यदि ह्यूज है, बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो दे कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ वन सेल ओनली. जैसे कि अब हमारी ही बॉडी है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गेन्स, बहुत सारे सिस्टम रिक्वायर्ड हैं, देन ओनली वी आर एबल टू डू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. तो ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है. जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं या हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, उन सभी में ही डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एज वेल एज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब यहां पर जहां मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहां बहुत सारी सेल्स हैं और बहुत सारी सेल्स के ग्रुप्स भी हैं. अब वो ग्रुप मिलकर बहुत सारे फंक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में, तो उसको अब हम क्या कहते हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग सेल्स एंड इट्स ग्रुप इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? जब हम काम को डिवाइड कर दें. नाउ वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर क्लास, then you can discuss with your class teacher, not directly with the principal. And then your class teacher can convey that message to the HODs or the coordinators. So on that level, if that problem gets solved, then it is okay. ठीक है, यदि वहाँ problem solve हो जाती है तो कोई problem ही नहीं है, लेकिन यदि वो problem वहाँ भी solve नहीं हो पाती है तो then that coordinator has to ask the problem from the principals. So that is the way to divide the work. इसके साथ ही आप एक ही सेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं. टेंथ के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, नाइन्थ के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एट्थ के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं. तो आपको पहचाना जाता है कि आप नाइन्थ ए में पढ़ रहे हैं, आप टेंथ ए में पढ़ रहे हैं, या आप एट्थ ए में पढ़ रहे हैं, या बी सेक्शन में पढ़ रहे हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट द डिविजन ऑफ लेबर. तो जब हम अपने नॉन लिविंग एरियाज में भी हम डिविजन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो वो हमने कहाँ से सीखा? That we learn from our body. क्योंकि हमारी आँख आँख का काम कर रही है, नाक नाक का काम कर रही है, हाथ हाथ का काम कर रहे हैं और पैर पैर का काम कर रहे हैं. हम किसी भी एक organ का काम दूसरे organ से नहीं ले सकते हैं. ऐसे ही हमारी body में जो stomach है वो food को digest करने का काम कर रहा है, आपका heart है वो blood circulate करने का काम कर रहा है, आपके जो kidneys हैं वो आपकी body के अंदर जितना भी waste material उसको निकालने का काम कर रहा है, आपके जो लंग्स हैं वो आपको एयर प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इसके अलावा जो आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यूज हैं वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की भी हेल्प करते हैं. ठीक है ना, तो दैट ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर. तो यहाँ पर हम फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग सेल्स एंड इट्स ग्रुप इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. ये बच्चों को कभी कभी डिफिकल्ट लगता है, तो आई थिंक मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे.
अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। इन एनिमल्स मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मूवमेंट। मूवमेंट हम केवल और केवल मसल सेल्स की हेल्प से ही कर सकते हैं। मोर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेजेस एंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नर्व सेल्स ये काम कर रही हैं। अब थर्ड आपका ब्लड है। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हर ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है। तो इस तरह से हम डिवीजन ऑफ लेबर के 3 एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। इन प्लांट्स देयर आर वैस्कुलर टिश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो अभी मैंने आपको ह्यूमन बींग्स में बताया कि कितने सारे सिस्टम्स, कितने सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, जो प्लांट्स होता है उसमें मेन जो फंक्शन है वो वैस्कुलर टिश्यूज कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अबाउट द वैस्कुलर टिश्यूज। सो व्हाट आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स? सो वैस्कुलर टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यूज, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। कंडक्टिंग मीन्स टू ट्रांसपोर्ट द मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन प्लेस। सो दैट्स वाई वैस्कुलर टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यूज। दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, अब ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनके जो नेम्स होते हैं वो अलग होते हैं। क्या है वो? एज दे आर द जाइलम एंड द फ्लोएम। सो दैट कंडक्टिंग टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। आपसे बहुत तरीके से पूछा जाता है वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल्स, कंडक्टिंग टिश्यूज, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है दे आर द जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। एज यू कम टू नो about the cells, that cells form group of cells that need to perform a single task, often grouped together. ठीक है, अब जो cells हैं वो एक साथ grouping करने के बाद एक किसी भी function के लिए तैयार होती हैं। तो बच्चों, ये group ही क्या कहलाता है? Group ही tissue कहलाता है। So it is the first step of the formation of tissues. So this grouping of cells together to perform a function efficiently is called a tissue. तो यही functioning of the cells, similar cells, is known as tissue. For example, muscles, as we are having the muscles, so they are called the muscular tissues in animals. Blood, blood tissues in animals. Xylem and phloem tissues in plants. Let's see more about the tissues. The tissue cells have same structure and they perform the same function. अब क्योंकि एक ही तरह की जो similar cells हैं वो जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी एक ही function को करने के लिए तो वो tissue कहलाती हैं। इसलिए जितने भी tissues होंगे जो एक ही function को कर रहे हैं उनका structure भी same होता है। तो एक और point आपको याद करना है, the tissue cells have the same structure and they perform the same function. Now we should know the difference between plant tissues and the animal tissues. Why? Because plants are the stationary but animals are non-stationary. Means plants जो हैं वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और वहीं पर ही वो grow कर रहे हैं, लेकिन animals को move करना है। क्यों move करना है? क्योंकि animals को अपने लिए food search करना है, shelter search करना है, मेटिंग सर्च करना है। ठीक है, ऐसा प्लांट्स के साथ नहीं होता। तो प्लांट्स टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्लांट है, वो एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर उसके पास स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट फॉर्मेशन है, रूट्स हैं, एंड दैट इट हैज टू बी स्टेबल ऑन वन पॉइंट। बट इन द एनिमल टिश्यूज जस्ट आई हैव शोन ओनली वन काइंड ऑफ टिश्यू बिकॉज आर स्टमक इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में पढ़ाया है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज में स्टमक के अलग टिश्यूज होते हैं, आइज में अलग तरीके के टिश्यूज होंगे,
हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डिफरेंट टिश्यूज से बना हुआ है. सो दैट मीन्स कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज आर हैविंग ग्रेटर डिफरेंस. इधर वी बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट वी आर हैविंग द ग्रेटर डिफरेंस इन द टिश्यूज. ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. एस प्लांट्स डू नॉट मूव सो देयर टिश्यूज आर प्रीडोमिनेंटली द वंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू दैम सो दैट दे कैन स्टैंड इरेक्ट. अब जो प्लांट्स हैं दे आर स्टेशनरी, दे हैज नॉट टू मूव हियर एंड देयर. ठीक है, तो ये किस तरह के होते हैं प्लांट टिश्यूज? प्रीडोमिनेंटली कंडीशंस में होते हैं बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड दे हैव टू स्टैंड इरेक्ट टू द प्लांट. ठीक है, तो इनका यही दो काम है. और एनिमल्स में क्या कंडीशंस होती हैं? एनिमल्स नीड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट स्टेशनरी. देयर टिश्यूज आर द वंस दैट कैन सपोर्ट मूवमेंट. अब एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स को सपोर्ट चाहिए, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है. तो ये टिश्यूज किस तरह के होते हैं? जो कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड कर सके एनिमल्स को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. ओके, नाउ सी द मोर डिफरेंस. दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स बिकॉज डेड सेल्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स एंड डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस. अब जितने भी टिश्यूज हैं प्लांट्स में, क्योंकि इनको एक ही जगह पर रहना है, तो जो भी नए सेल्स बनते हैं वो तो बन ही रहे हैं, पर बाकी जितने सेल्स पुराने होते चले जाते हैं वो डेड कंडीशन में कन्वर्ट होते चले जाते हैं. अब ये डेड कंडीशन में कन्वर्ट होकर प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब प्लांट्स को हम बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस तो दे ही नहीं सकते हैं कि हम उनको लगातार डेड सेल्स उनकी रिमूव करते रहें. तो प्लांट्स को एक स्टेबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ऑल द ओल्ड टिश्यूज कन्वर्ट इनटू द डेड कंडीशन, बट इट कैन नॉट बी अकर इन द एनिमल टिश्यूज. व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर द लिविंग क्रिएचर्स. ओके, एज द टिश्यूज इन केस ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स सो दैट दे कैन मूव एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस. अब हमारी बॉडी में हर सेल को लिविंग होना जरूरी है क्योंकि हमें कंटिन्यूस एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा. किस लिए जाना होता है? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ मेटिंग. ठीक है, तो हमारी बॉडी को कंटिन्यूस फंक्शनिंग कंडीशन में रहना है, इसलिए एनिमल टिश्यूज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, बट द प्लांट टिश्यू कैन हैव द डेड सेल्स ऑल्सो. चलिए आगे देख लेते हैं. अब देखो बच्चों, ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन ग्रो. अब प्लांट्स में आपने देखा है कि एक मेन स्टेम के बाद में जो सब ब्रांचेस हैं वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं. ठीक है, उनमें भी जो सब ब्रांचेस बनती चली जाती हैं वहाँ ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. तो कुछ पार्ट प्लांट का ऐसा होता है जहाँ पर ग्रोथ नहीं होती है. ठीक, सो द टिश्यूज प्रेजेंट इन सच रीजन्स दैट दे डिवाइड देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू टिश्यूज. अब जहाँ पर जो प्लांट का मेन पार्ट है वो मैं आपको भी नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊंगी कि प्लांट्स में एक्चुअल में ग्रोथ कहाँ पर होती है. तो उन्हीं रीजन्स में जो टिश्यूज होते हैं वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं और उनसे नए टिश्यूज फॉर्म होते रहते हैं. ठीक है, अब एनिमल टिश्यू क्या करते हैं? सेल्स इन एनिमल ग्रो यूनिफॉर्म अर्ली एंड नॉट ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द बॉडी. अब जो एनिमल सेल्स हैं वो कंटिन्यूस ग्रो करते रहते हैं और एक ही रीजन में नहीं, इन द डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. जैसे कि हमारी आईज हैं, नोज हैं, अदर ऑर्गन्स हैं, दे ऑल आर ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आर बॉडी. ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी ग्रोथ नहीं होने लगेगी, जस्ट वी आर हैविंग अ वेरी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो दैट इज द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज. नेक्स्ट डिफरेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड एज कम्पेयर टू एनिमल्स. अब प्लांट टिश्यूज में टिश्यूज होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं यदि हम उसको एनिमल्स से कंपेयर करें, क्योंकि प्लांट को एक ही जगह रहना है
सभी प्लांट को एक ही तरह से वाटर एब्जॉर्ब करना है और सभी प्लांट को एक ही तरह से ग्रो करना है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि हमें फूड बाहर से च्यू करना है, उसको बॉडी में डाइजेस्ट करना है, फिर हमें उस एनर्जी को अपने अपने काम में यूटिलाइज करना है, देन अगेन वी हैव टू रिचार्ज आवर बॉडी टू हैव द न्यूट्रिशियस फूड। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। सो एज यू कम टू नो अबाउट द प्लांट टिश्यूज आर हैविंग टू मेन काइंड ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। एक बार हम इसको और रिवाइज करेंगे। एज प्लांट टिश्यूज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्चुअल में किस तरह के टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। अब यही वो पार्ट है प्लांट्स का जो लगातार प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज मीन्स लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। अब परमानेंट प्रोवाइड द परमानेंट स्ट्रक्चर टू द प्लांट। तो एक पार्ट तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, दूसरा वो पार्ट हो गया जो उसको स्टेबिलिटी एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो फर्दर थ्री कंडीशंस में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं दे आर डिवाइडेड इंटू जाइलम एंड फ्लोएम। अभी मैंने आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम आर ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर बंडल्स और द वैस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज। सो दे आर द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल्स। क्लियर? सो इट वॉज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द प्लांट टिश्यूज। तो अभी हम देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा और क्या लर्न किया, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, सो जस्ट यू ऑल हैव टू गिव द आंसर, सो बी रेडी फॉर द क्विज टाइम। सी क्वेश्चन नंबर वन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज, ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी टिश्यू, ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम। यस, यू ऑल आर हैविंग 5 seconds। आई होप यू ऑल हैव रिटन द आंसर इन कमेंट बॉक्स। चेक योर आंसर। यस, टिश्यू, बिकॉज ऑर्गन is made up of tissue, but if I am asking about a group of similar cells performing a particular function, तो वो tissue कहलाएगा। Different kind of similar tissues are making the organ, so we cannot take the organ. Body is made up of different kind of organ system, तो हम इसको भी नहीं कह सकते हैं कि ये correct answer है। Organ system means बहुत सारे organ मिलकर कोई एक system बनाते हैं, that is known as organ system. So which will be the correct answer? Tissue will be the correct answer. See the next one. Phloems and xylems are, option A, simple permanent tissue, option B, complex permanent tissue, option C, vascular tissue, option D, option B and C. Now let's check the answer. Yes, B and C. Because phloem and xylems are complex permanent tissues, and right now I told you about the complex permanent tissues as they are the xylem and phloem, so they are also known as vascular tissues. बहुत important question होता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे।
in the different kind of form you can get this combination. Next question is, types of meristematic tissues are apical, intercalary and you have to tell the third one kind of meristematic tissue. Your time starts now. Yes, it can be vascular, epidermal, parenchymal, or the lateral. Check your answer. Yes, lateral, because I told you meristematic tissues are of three types: apical meristematic tissues, intercalary meristematic tissues, and lateral meristematic tissues. See the next question. Only some parts of the plant grows while animals grow proportionally, irregularly, indefinitely, none. Think about the answer. Time starts now. Okay, now check your answer. Yes, proportionally. So as animals are having a particular position of all the organs, so they are having a proportional. But in plants, they can grow from any one place, so they are having the irregularity in the growth of the plants. Indefinitely, ये कितने भी बड़े हो सकते हैं और कहीं बहुत छोटे plants भी होते हैं, तो they are not having a particular condition of the growth. Tissues do only a particular function, multiple functions, both or none. अभी आपको मैंने बताया है, सोचिए और करेक्ट आंसर दीजिए. Now let's see the correct answer. Yes, particular functions. क्योंकि tissues किससे बने हैं? Similar kind of cells से बने हुए हैं. So that tissue, particular tissue is doing a particular function. Do plants and animal contain the same type of tissues? Very simple. Yes or no? Check your answer. Yes, of course, no, because you have got the difference between plant tissues and animal tissues. तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं. तो जब भी आप इस तरह की क्विज का पार्ट बनते हैं, always you should try to give the marks, one marks for each correct question, and you should write into the comment box. Okay? So it was about the introduction of the plant tissues. In my next videos, I am going to explain the parts of plant tissues. In next video, I will explain you about the meristematic tissues, and in the next videos, you will get the further content of the same topic. As to get the updates, press the bell icon, share my channel, like my videos. Have a nice day. Have a happy day. Bye-bye.